प्रिंस सनी राजपूत लिखते हैं, मेडिटेशन के बाद बहुत गुस्सा आ रहा है जिसकी वजह से आपसी संबंधों पर असर पड़ रहा है। कुछ रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। अनंत श्री प्रिंस, गुस्सा इस समय तुम्हारे सिस्टम में आ ही रहा है, उसको ध्यान से मत जोड़ो कि ध्यान के वजह से या ध्यान के बाद गुस्सा आता है। अगर वो गुस्से की जो घटना है, एंगर की हैपनिंग है, तुम्हारे इस शरीर मन में बन रही है, तो ध्यान तुम नहीं भी कर रहे होते तब भी वो आता। हो सकता है तुम खाना खाते उसके बाद आ जाता, हो सकता है तुम चाय पीते उसके बाद आ जाता, हो सकता है तुम नहा के निकलते तब आ जाता। अभी ध्यान के बाद तुमको लगता, ये लगता है ध्यान के बाद गुस्सा आता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ध्यान में क्या होता है कि हम थोड़ा संवेदनशील हो जाते हैं, थोड़ा हम जागरूक हो जाते हैं, ध्यान का मतलब ही ये है। तो उस संवेदनशीलता और जागरूकता में हम अपने अंदर चल रही हलचल को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो अगर क्रोध की हलचल हमारे अंदर चल रही है तो ध्यान के बाद हम उसको ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, इसलिए। लेकिन वो उसकी वजह से नहीं आ रहा, उसकी वजह से हम उसको देख पा रहे हैं, एक चीज़ है। और दूसरा लिखा है कि आपसी संबंधों पर असर पड़ रहा है और कुछ रिश्ते टूटने की कगार पर है। तो क्यों डाल रहे हो असर प्रिंस? मत डालो असर, क्योंकि गुस्सा आ रहा है, फिर गुस्सा संबंधों पर निकालोगे। तो उसके लिए तो मैंने अभी एक रिचुअल प्रपोज ही किया, एक दिन इत्मीनान से विधि विधान से धुनी रमा के गुस्सा करो। रोज रोज मत करो, कोई दिन तय कर लो गुस्सा करने का, और बिल्कुल नागा बाबा बन के, अघोरी बाबा बन के बैठो धुनी रमा के और प्रचंड गुस्सा करो एक दिन, खत्म बात। रोज रोज मत करो, संबंध टूटने की कगार पर है। अगर ये दिख रहा है और ये लगता है कि संबंध नहीं टूटने चाहिए तो जागरूक हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अब गुस्सा कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। उसको जरा सा सचेतन होंगे वो अपना रास्ता बदल लेगा। लेकिन अगर लगता है कि ये संबंध टूटने जैसे हैं, इनको टूट ही जाना चाहिए, टूट जाने दो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं टूटने जैसे, इनको नहीं टूटना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा होशपूर्ण हो जाओ और अपने गुस्से को रिलीज करो, उसकी कैथारसिस करो। उसको किसी का कारण मत बनाओ, उसको किसी के ऊपर आरोपित मत करो, यही विकल्प है। किन वजहों से गुस्सा आया है, उसके तमाम वजहें और तमाम कारण हो सकते हैं। उन कारणों को अगर समझ सकते हो तो उनको समझने की कोशिश करो। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, बहुत सारे ये मिलते जुलते फैमिली के एक ही चीज़ें हैं। तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, शारीरिक, मानसिक, इन सारी चीज़ों पर देखो कि पूरी तरह शरीर मन स्वस्थ है कि नहीं। कभी कभी तुम वीकनेस फील कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई डिफिशेंसी है, और उसका रिस्पॉन्स गुस्से और चिड़चिड़ेपन में आ जाता है। अगर किसी के अंदर कुछ कमजोरी हो, डिफिशेंसी हो, तो भी गुस्सा आता है, उसको चिड़चिड़ापन लगता है, लेकिन वो कोई नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं गुस्से का है, वो साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स है। तो स्वस्थ आहार लो, कुछ योग करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, ध्यान तो करो ही करो, ध्यान में करो का मतलब ध्यान में बैठो ही बैठो, और बाकी अपने संबंधों के प्रति सम्मानपूर्ण हो जाओ। तो जिनको नहीं टूटना है वो नहीं टूटेंगे।